नमस्कार, आपका स्वागत है इंडिया वॉइस में। भारतीय महिला हॉकी टीम ने कजाकिस्तान को 21-0 से रौंदा, रिकॉर्ड से छूका भारत। भारतीय महिला हॉकी टीम ने इंडोनेशिया में आयोजित हो रहे 18वें एशियन गेम्स में कमाल का प्रदर्शन करते हुए मंगलवार को खेले गए मुकाबले में कजाकिस्तान को 21-0 से रौंद दिया। पुल बी के इस मुकाबले में कजाकिस्तान की टीम बेबस सी नजर आई और भारतीय खिलाड़ी लगातार गोल करती रही। भारतीय महिला टीम ने 3 क्वार्टर के बाद 16-0 की बढ़त बना ली और अंतिम क्वार्टर में 5 गोल कर 21-0 से मुकाबला जीत लिया। इससे एक दिन पहले ही भारतीय पुरुष टीम ने पहले मुकाबले में मेजबान इंडोनेशिया को 17-0 से शिकस्त देकर अपने अभियान का शानदार आगाज किया था। इसी लय को महिला हॉकी टीम ने भी बरकरार रखा और कमाल का प्रदर्शन करते हुए एक के बाद एक गोल किए। भारतीय टीम हालांकि 22-0 के एशियाई खेलों के रिकॉर्ड से एक गोल से चूक गई। भारतीय महिला हॉकी टीम ने 1982 एशियाई खेलों में हांगकांग को 22-0 से हराया था। नवनीत कौर ने सबसे ज्यादा 5 गोल किए। उन्होंने 11वें, 12वें, 16वें और 48वें मिनट में गोल दागे। वहीं गुरजीत कौर ने 4 गोल दागे। गुरजीत ने 8वें, 36वें, 44वें और 91वें मिनट में गोल किए। उनके अलावा लाल रेम सियामी और वंदना ने 3-3 गोल किए, जबकि लिलिमा ने 2 गोल किए। वहीं नेहा, उदिता, दीप, ग्रेस, नवजोत और मोनिका ने 1-1 गोल किया। इससे पहले महिला हॉकी टीम ने एशियन गेम्स में विजयी आगाज किया और पूल बी के अपने पहले मुकाबले में मेजबान इंडोनेशिया को 8-0 से मात दी। महिला हॉकी टीम शानदार प्रदर्शन कर रही है और टीम ने 2 मैचों में अब तक 1 भी गोल नहीं खाया है। स्पोर्ट्स डेस्क, इंडिया वॉइस।